मुझे पता है वो क्या है। सैंडी प्लैंकटन ने भी एक देखा था, वो बोला वो एक नाक है। काफी बड़ी नाक है। हे, मुझे देखो, मैं उस नाक को हाथ लगाऊंगा। अच्छा, तुम हाथ लगा के दिखाओ ना। ठीक है, ये लो। हे नीमो, तुम कितनी दूर जा सकते हो? ओ, मेरे डैडी कहते हैं वहाँ खतरा है। नीमो, नहीं। डैडी, तुम खुले पानी में तैरने जा रहे थे? नहीं डैडी, मैं कहीं नहीं जा रहा था। अरे अरे, बने रहो, तुम नहीं जा रहा था। हाँ, ये तो डर रहा था। नहीं डर रहा था। तुम लोग बीच में मत पड़ो बच्चों, और शुक्र करो कि मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं कहने वाला। तुम जानते हो कि तुम ठीक से तैर नहीं सकते? मैं तैर सकता हूँ डैडी, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। बस बहुत हो चुका, तुम सुन लो, तुम एक दो साल बाद स्कूल जाओगे। नहीं डैडी, क्योंकि आप सब ऐसे डरते। देखो, तुम अभी छोटे हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, पर तुम नहीं कर सकते। नीमो, मैं आपसे प्यार नहीं करता। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा, पास यहाँ ये। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए सर, आई एम सॉरी, ये अच्छी तरीके से तैर नहीं सकता, और मेरे ख्याल से इसका खुले पानी में अकेले तैरना मुनासिब नहीं है। भरोसा रखिए, मेरे साथ वो बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, मुझे इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि, लेकिन आपकी क्लास काफी बड़ी है, और वो कहीं गुम हो गया तो? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नजर नहीं रखते, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम वहाँ फंस जाओगे, और फिर मुझे आकर तुम्हें वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ वापस आओ, अभी रुक जाओ बेटा। अगर तुमने कोई भी हरकत की, देखो देखो कहने जाओ, अगर तुमने उस नाव पर हाथ रखा, तुम सुन रहे हो ना, छूना मत उस नाव। नीमो, उसने नाक को हाथ लगाया। चुपचाप यहाँ आ जाओ और मेरे साथ घर चलो, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है बच्चे, सुना तुमने? बहुत बुरा। Nemo, 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 nem